यूनिवर्सिटी आपको ये आरएस टॉपर स्टॉक जिसको सक्सेस स्पीक्स भी कहते हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपने आरएस 2018 में आपने 34th रैंक हासिल कर लिया और आप एसडीएम बन गई हैं, तो आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी तक तो काफी टाइम निकल गया रिजल्ट निकले हुए, तो मुझे लगता है काफी सेलिब्रेशन वगैरह घर में हो चुके होंगे दोस्तों के साथ भी, और बहुत सारी बधाइयां आ चुकी होंगी। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर बिल्कुल, अभी काफी दिन हो गए लेकिन अभी भी लगातार सेलिब्रेशन चालू है, अभी भी बधाइयां आ रही हैं और अभी भी जो सम्मान समारोह होते हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं, लगातार चल रहे हैं अभी। जी ये भी एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है कि एक दिन सिलेक्शन होगा, कल के दिन में आप स्टूडेंट थी आज आप एसडीएम बन गई हैं। बहुत सारे लोग जो पहले डाउट करते होंगे कि इसका सिलेक्शन होगा या नहीं, उसमें फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिनकी आपको कटाक्ष भी सुनने पड़े होंगे, लेकिन अब जो वही लोग आपके सामने आ रहे हैं और कहेंगे कि वाह क्या कमाल कर दिया, क्या सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर, सही बात है। पहले काफी लोग बोल देते थे कि पता नहीं इतना बड़ा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, बैंक का भी देख के देख लो, एसएससी का दे लो, ये तो बीएड ही कर लो, तो इस तरीके से काफी सजेशंस मिलते थे, तो वो लोग भी अपनी जगह एक तरीके से सही थे, उनका कर्तव्य था ये बोलना। लेकिन बिल्कुल भी मैं अपने पद से डिगी नहीं, मैंने अपनी एक ही लक्ष्य रखा, एक ही मंजिल रखी और उसी पर मैं लगातार चलती रही और आज बिना बोले उनको जवाब मिल गया। कहते हैं लोगों का काम है कहना, यदि अपनी मंजिल की ओर अपने धुन में हम दौड़े चले जा रहे हैं तो सफलता भी मिलना निश्चित है, राइट? जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे लोगों को ऐसी स्थिति में कैसे मैनेज करेंगे फिर, जो है कि जैसे जो क्रिटिक्स होते हैं जिनको कहते हैं कि आप किसी बड़े काम की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं, तो उनके बारे में आपकी जो एक्सपीरियंस रही है कि हाउ टू मैनेज विद क्रिटिक्स, तो आप क्या कहेंगे इसमें? जी सर, क्रिटिक दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव वे में बोला जाता है जिसमें हमें सुधारने की भावना होती है, या फिर हम उसको किस तरीके से लेते हैं ये भी डिपेंड कर जाता है। हम अपनी नेगेटिव जो चीज़ें हैं, हमारी नकारात्मकता है, हम उनमें सुधार कर सकते हैं। और एक क्रिटिक होता है जो बिना वजह किया जाता है, नेगेटिविटी के लिए किया जाता है, हमें पीछे खींचने के लिए किया जाता है। तो दोनों क्रिटिक में हमें सबसे पहले अंतर ढूंढना होता है, एज ए स्टूडेंट एज ए एस्पायरेंट हमें दोनों में अंतर ढूंढना चाहिए कि सामने वाला यदि हमें कमी बता रहा है तो वो किस उद्देश्य से बता रहा है और हमें उसे सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसा ही मैंने किया था, मुझे अगर लगता था कि हाँ ये कमी मेरे अंदर सच में है और मेरे प्रिपरेशन में, मेरे आरएस की जो दौड़ है इसमें ये बहुत बड़ी बाधा बन सकती है, तो मैं उसे सुधार करती थी बिना बुरा माने। लेकिन यदि मुझे लगता था कि ये चीज मेरे काम की नहीं है तो मैं उसे छोड़ देती थी और हो सके तो मैं उस इंसान से बात करना भी बंद कर देती थी, बिकॉज एज ए स्टूडेंट कोई मायने नहीं रखता कि क्वांटिटी वाइज आपके कितने दोस्त हैं, कितने लोगों से आपका कनेक्शन है। मेनली मायने जो रखता है वो है अपना सपना और उसको सपने को पीछा करने की अपनी जो जज्बा होता है वो मायने रखते हैं। वेरी गुड, ये आपको इस क्वेश्चन से मैं आपके बिहाफ पे सारे जो आपको वॉच कर उनको कहना चाहेंगे कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर नो, सबसे बड़ा डर होता है कि फियर ऑफ फेलियर, और उस फेलियर ऑफ फेलियर को आंच देने का काम इस तरह के कई बार नेगेटिव क्रिटिक्स करते हैं कि नहीं होगा, छोड़ दो, लड़की हो तुमको शादी भी करनी है, कुछ करियर में कर लो, जॉब कर लो। लेकिन आपने सबको मैनेज किया कि किन की बातें सुननी है और किसकी नहीं है और किसको छोड़ देना, तो ये लाइफ में फैसला तो खुद करना ही पड़ता है, चलना तो आप ही को है और वो फैसला भी आप ही को करना होगा कि किस लेवल पे है, बट कुछ पॉजिटिव चीज आते हैं तो लेना भी है। सृष्टि आप रहने वाले कहाँ की हैं? अलवर की है ना, आप रहने वाले अलवर की हैं। फैमिली में कौन लोग हैं, माँ बाप क्या करते हैं वो भी जरा बताइए। सर मेरे पिताजी श्री मुकेश जैन प्रधानाध्यापक हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय गेहगोली अलवर में, और जो मम्मी है श्रीमती अनिता जैन वो हाउसवाइफ है, और हम तीन भाई बहन है, तीनों में सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरी छोटी बहन दिल्ली से आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है अभी और भैया बीटेक सेकंड ईयर में। बहुत है, तो क्या लगता है भाई भी इस लाइन में धीरे धीरे आएगा? जी सर, उसको बहुत मोटिवेशन मिला, उसने मुझे बोला दीदी मैं आपसे पहले कलेक्टर बन के दिखाऊंगा, आप प्रमोशन से थोड़ा टाइम बाद बनोगे, मैं पहले बन जाऊंगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, दूसरी जो सिस्टर भी आईएएस की तैयारी कर, उसके मन में भी आ रहा होगा दीदी का सिलेक्शन हुआ था। तो आपका डिसीजन है कि आप भी आईएएस की जाना चाहती है या आरएस में रहना चाहती है? सर अभी तक मैंने एसडीएम को कंटिन्यू करने का सोचा है कि आरएस को ही कंटिन्यू करूं सर्विस को। अपने स्टेट में रहके अब ग्राउंड लेवल पे लोगों की सेवा करना चाहती है। जी सर। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर मैंने अपनी स्कूलिंग अलवर से की, उसके बाद मैंने अपने 11th 12th जो था मेरे पीसीएम लिया था साइंस मैथ, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स से किया था अलवर में ही बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से,
पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और फिलोसफी मेरे विषय रहे थे, और अब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रखा है इन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से, और मेरा नेट भी क्वालिफाई है यूजीसी नेट का एग्जाम इन पॉलिटिकल साइंस। वेरी गुड। तो अब ये बताइए कि यदि इस एग्जाम के बारे में आपको पूछूं कि दो अटेम्प्ट आपने ले लिया, पहले अटेम्प्ट में क्या प्री हो गया था? जी सर, पहले अटेम्प्ट में प्री भी हो गया था, मेंस और इंटरव्यू भी दिया था। अच्छा, इंटरव्यू के बाद क्या रिजल्ट रहा लास्ट टाइम? सर मेरी 813 रैंक रही थी। अच्छा, लेकिन अभी सर्विस एलोकेशन हो गया था? अभी नहीं था। नहीं सर, मुझे कोई भी जॉब प्रोफाइल नहीं अलॉट किया गया था। अच्छा, सिलेक्शन के बाद अभी वेटिंग में थी आप, राइट? जी सर। चलिए, उसके पहले आप अब एसडीएम के रैंक पे आ गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको दोनों अटेम्प्ट देने के बाद इससे आपको कैसा लगता है? क्या ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है या इसको आसान बनाया जा सकता है अपनी एफर्ट से, ये क्या है? सर यदि हम सिलेबस देखें तो ऑफ कोर्स लेंथी है, काफी बड़ा सिलेबस होता है, तो याद करना और उसकी प्रिपरेशन करना लंबी जर्नी होती है। डिफिकल्ट तो है ये अपने आप में, लेकिन असंभव नहीं है। इसको यदि हम कठिन परिश्रम करें विद स्मार्टनेस, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्टली हमें हार्डवर्क करना होगा, तो हम आराम से इस लक्ष्य को पा सकते हैं, और कंटिन्यूस हमें पेशेंटली काम करना होगा धैर्यपूर्वक। जब प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको भी ये काफी कंफ्यूजन रहा होगा, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, किस कौन सी किताब पढ़ें, तो उसको आपने कैसे सॉर्ट आउट किया? सर बिकॉज ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने काफी गलतियां की थी, कि तो उन सबसे मैंने सबक लिया कि मुझे क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें ऑथेंटिक जो बुक्स हैं उनसे पढ़ाई की थी, जैसे हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए नाथूराम का यूज़ लेते हैं। मेरा हिंदी मीडियम रहा है, तो कुछ जैसे मेन मेन्स में हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और इसके अलावा हमारा छोटा छोटा पोर्शन है, खेल एंड योगा है, मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, इसको मैंने नोट्स के थ्रू किया था, जैसे अपने दोस्त से नोट्स ले लिए और उसके थ्रू मैंने पढ़ाई की थी। तो मुझे लगा कि एक बार तो प्रत्येक व्यक्ति को जो भी एस्पायरेंट है उसे ऑथेंटिक बुक का सहारा लेना चाहिए, नोट्स को बाद में रेफर करना चाहिए। तो मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे जो RBSC की बुक्स होती हैं राजस्थान बोर्ड की वर्तमान में जो चल रही हैं, और जो पुरानी बुक्स हैं और NCERT की बुक्स 12th क्लास तक की, मैंने उन्हें रेफर किया, और उसके बाद मैंने जो भी गाइड्स हैं नोट्स हैं उन्हें पढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैंने सिर्फ नोट्स से ही पढ़ा, ये मैंने चेंज किया था अपने सेकंड अटेम्प्ट में। और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, मैं यही सलाह दूंगी सबको कि ऑथेंटिक बुक्स से जरूर पढ़ें, ओनली नोट्स पर रिलाई ना कर। बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली जब आपने कहा ऑथेंटिक बुक, एक होता है नॉर्मली को गाइड एंड नोट्स पढ़ने का, तो ऑथेंटिक बुक क्यों पढ़ना चाहिए, पहले ये बताइए थोड़ा। जी सर। सर बिकॉज कोई भी व्यक्ति नोट मेकिंग करता है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, अपने पर्सपेक्टिव से करता है, कि उसे क्या चीज़ इम्पोर्टेंट लग रही है, क्या चीज़ उसे मेन लग रही है कि पेपर में क्या आ सकता है, तो हमारी बहुत सी चीज़ें छूट जाती है। क्योंकि जो एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर सेट करता है, तो हमें उस चीज़ के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हमें पहले बुक से पढ़ना चाहिए। हम रेफर कर सकते हैं नोट्स को, क्योंकि याद करने में ईजी हो जाता है नोट में पढ़ना, लेकिन एक बार हमें जो ऑथेंटिक सोर्स है उनको ज़रूर रेफर करना चाहिए। देखिए, आपके बिहाफ पे जो आप कहना चाहती हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें हम आपकी ऑडियंस को, कि आप जब किसी को रोड रेडी में नोट से पढ़ना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है आपने जो नोट्स मेकर है उसकी पर्सपेक्टिव को इंटरलाइज कर लिया और आपने आपको डेवलप नहीं किया। लेकिन जब आप ओरिजिनल सोर्स से पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, सिलेबस को ध्यान रखते हुए, तो जो आपकी ओपिनियन डेवलप होती है वो आपकी होगी, और फिर उसमें से कुछ पॉइंट्स बनाते हैं तो नेचुरली आपकी रहेगी। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, चाहे RS का एग्जाम हो चाहे IAS का एग्जाम हो, दोनों में इसका वैल्यू किया जाता है कि आपकी ओरिजिनलिटी कितनी ज्यादा है अपने ओपिनियन में और थॉट्स में। दैट इज वेरी वेरी। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। उसी पर आपको नंबर भी मिलने हैं। दिस इज समथिंग व्हिच एवरीवन हैज टू टेक केयर ऑफ, राइट? एक जो ना आपने चर्चा की, क्या आपने अपना नोट्स भी कुछ बनाया अपने अपने? जी सर, मैंने सभी सब्जेक्ट्स के तो नोट्स नहीं बनाए, लेकिन हाँ मैंने जैसे कुछ जो मुझे लगते थे कि हाँ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स बनाए, जैसे लक्ष्मीकांत है उसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही एक बुक अपने आप में सफिशियंट है, उसको हम यदि बार बार पढ़ें तो याद हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने उसमें सेलेक्टिव किया कि मुझे क्या चीज़ नोट्स बनानी चाहिए, क्या नहीं बनानी चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द टाइम जब एग्जाम पास में आता था तो मैं कुछ वो शॉर्ट में लिख लेती थी, जैसे पूरा का पूरा एक सिलेबस को ही मैं 10 पेज में मर्जअप कर लेती थी अपने अकॉर्डिंग, तो वो अगर मैं पढ़ूंगी तो समझ आएगा, कोई दूसरा पढ़ेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा उसमें से, बिकॉज वो मैं
जी सर, तो वो इस तरीके से मेरा थोड़ा सा पढ़ने का तरीका रहता था। वो सिर्फ बात हुई कि आपने कहा कि यदि मैं पढ़ती समझ में, दूसरे को ना समझ में, तो जी एक्चुअली सर, इसको क्वालिफाई करके अपने हिसाब से आपने बहुत पॉइंट्स छोटे बनाए। में, बहुत छोटे में, जो 10 पेज में ही वो सब्जेक्ट मर्ज हो जाए, जितना सिलेबस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। जी 10 पेज में एक पूरे सब्जेक्ट को साइज कर लेना, ये नेचुरली जी अपने सर, आप में गागर में सागर डालने वाली बात है कि आप कभी भी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो जी नेचुरली सर, इसमें तो कहीं मिस करने का चांस ही नहीं बनता फिर। दैट इज वेरी गुड। जी सर, बिकॉज सर, क्योंकि आरपीएससी में एक दिन में 2 पेपर होते हैं, सुबह और शाम की शिफ्ट में, और एक पेपर में मल्टीपल सब्जेक्ट डाल रखे हैं, तो हम उसको रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, एक एक चीज को बार 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 लेंदी वे में, तो हमें छोटे से में उसको करना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से रिवाइज कर लें पेपर से एक बार पहले, तो बहुत अच्छे से हम उसको लिख पाएंगे मेंस में, यदि हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। जी प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन का आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया या दोनों का अलग अलग किया? सर, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने यूपीएससी से स्टार्ट किया था, मैंने आरपीएससी का सोच के स्टार्ट नहीं किया था, तो फॉर्चुनेटली उस वक्त जो प्रीलिम्स का फॉर्म था दोनों का ही साथ में निकला था 16 में, राइट। आईएएस प्री भी। जी सर, तो मैंने आईएएस प्री भी दिया और आरएएस प्री भी दिया, मेरी जो प्रिपरेशन थी आईएएस के लेवल की थी, लेकिन मैं कुछ मार्क्स से रह गई थी, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। आरएएस में मैंने यूपीएससी की तैयारी के साथ ही आरएएस दिया था, कुछ 15-20 दिन का जो गैप था उसमें मैंने पर्टिकुलर राजस्थान लेवल की पढ़ाई की थी और मेरा प्रीलिम्स हो गया था उसमें। जी सर, तो उसके बाद मैंने फिर मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी प्रीलिम्स के बाद में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और चूंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस भी क्लियर कर लिया था और उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी दिया था, तो मेरा एक एक्सपीरियंस बन गया था। सेकेंड अटेम्प्ट फिर मेरे लिए एक एक्सपीरियंस वे में और इजी वे में हो गया था, क्योंकि मैं उस पूरी प्रोसेस से गो थ्रू हो चुकी थी। इसका मतलब ओवरऑल आपने एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया और जी उसके सर, अकॉर्डिंगली काम किया, लेकिन प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए वो भी अपने आप में एक चैलेंज है इंटीग्रेटेड के लिए। तो वो सर्टेन चीजें जो आप स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए एडवाइस करना चाहेंगी कि प्री आपका मस्ट हो जाए ऑल्दो इट इज स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सब प्रीलिम्स के लिए 3 पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट तो ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, आरपीएससी ने बहुत अच्छे से प्री का सिलेबस अलग से दे रखा है, तो सिलेबस लें और उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। दूसरा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें चीज़ों को, प्री जो है जितना ज़्यादा हमें चीज़ों की नॉलेज होगी वाइडली एरिया कवर करने की कोशिश करें, करंट अफेयर्स को बिल्कुल ना छोड़ें, ये ना सोचें कि करंट अफेयर्स नहीं आता, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट भी पूछेंगे तो हो सकता है वो करंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, तो राइट। चाहे राजस्थान का हो, इंडिया का हो और इंटरनेशनल, तीनों लेवल के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कवर अप करना है इसमें। और टेस्ट सीरीज को ज़रूर दें प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट सीरीज देने से 2 फायदे होंगे, एक तो हमें अपना लेवल मालूम चल जाएगा कि हम किस लेवल पर हैं, दूसरा है कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है एग्जाम हॉल में वो हमारे हमारा मैनेजर हो जाएगा, यदि हम पहले से टेस्ट सीरीज मॉक वगैरह दे के रखते हैं, तो इसलिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल दें। और तीसरा है कि चीज़ों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, बार बार रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, क्योंकि एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, सिलेबस बहुत वाइड है इसलिए। इसके अकॉर्डिंगली जो आपने भी करंट अफेयर्स की चर्चा की, स्टूडेंट के साथ एक ये भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या छोड़ें, तो जो आपका अनुभव रहा है कि हाउ टू बी रेलेवेंट और समय भी बचे, बेवजह का आप कई घंटों न्यूज़पेपर ना लगा रखें, तो इसके बारे में अपना अनुभव साझा कीजिए लोगों से। सर, न्यूज़पेपर में जैसे हम सब जानते हैं, हम सुनते हैं सिविल सर्विसेज के लिए द हिंदू पढ़ें या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि द हिंदू पढ़ना, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना, काफी टाइम लगता है, प्रोडक्टिविटी इतनी आ नहीं पाती, तो किसी को शो ऑफ नहीं करना है कि हम द हिंदू पढ़ रहे हैं इसलिए हम सिविल सर्विस एस्पायरेंट हैं। तो मैं ऐसा करती थी कि मैं कोई भी कोचिंग का 1 महीने का जो मंथली मैगजीन आती थी
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए, तो मैं इस मंथली मैगजीन को कवर अप कर लेती थी। राजस्थान के लिए कोई भी लोकल न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं, वो बहुत छोटा आता है, डेली का न्यूज़पेपर हम 1 घंटे में आराम से कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा जो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग है राजस्थान का, वो एक बाय मंथली मैगजीन निकालती है सुजस करके, तो सुजस मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी कंफर्टेबल लगे, और उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें राजस्थान का पूरा करंट अफेयर्स कवर अप हो जाता है। ठीक है, आप ये जो प्रीलिम्स के कुछ बेसिक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो एग्जामिनेशन में काम आए, उसके अकॉर्डिंगली कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि आप प्री में कुछ कर सकें, इसके लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो लास्ट ईयर के पेपर देखने चाहिए। लास्ट ईयर पेपर को देखकर आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे मैथ के 20 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैथ्स के किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 क्वेश्चन है, तो वो बहुत अच्छे हमारे मार्क्स को बूस्ट कर देते हैं। वो 20 क्वेश्चन हम चाहें तो सही कर सकते हैं, तो वो अच्छे से कर ले मैथ। वो थी 12th लेवल, नॉर्मल लेवल आता है मैथ का, ऐसा कोई टफ लेवल नहीं आता है। दूसरा है साइंस, साइंस के क्वेश्चन आएंगे, जैसे काउंटिंग उनकी पर्टिकुलर काउंट होता है, 15-20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो वो 10th लेवल का आता है। 10th लेवल की NCERT की बुक्स अच्छे से कर लें साइंस की, तो ये चीज़ें ध्यान से कर लें। और जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इसको स्किप ना करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करंट बेसिस पर ही आएंगे अधिकतर। जो हमारा ट्रेडिशनल होता है या फैक्चुअल पार्ट होता है, वो काफ़ी कम पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें खुद को गौर करनी होंगी लास्ट ईयर पेपर्स को देखकर। ये चीज़ें हमें, हम बाहर से अगर देखते हैं या बाहर किसी और का स्टाइल अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको छोड़ देंगे, मिस कर जाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखें। टाइम सफिशियंट होता है प्रीलिम्स में, 150 क्वेश्चंस होते हैं और 3 आवर्स होते हैं हमारे पास में, तो आई डोंट थिंक, कि मुझे नहीं लगता कि इसमें टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है। टाइम बहुत सफिशियंट रहता है, यदि अच्छी स्पीड है, अच्छा पढ़ रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 150 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे बहुत बड़ा टाइम है, जो यूपीएससी में अवेलेबल नहीं। जी सर, तो उसके हिसाब से आप एक नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखते हुए स्टूडेंट को कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, वो जरा बताइए। सर, नेगेटिव मार्किंग है, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि नेगेटिव ज्यादा चले जाते हैं, तो जो सही क्वेश्चन है उस पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स से आउट होने का मतलब है पूरी प्रक्रिया से आउट हो जाना, एक बहुत लंबा गैप आ जाना जीवन में। तो प्रीलिम्स एक तरीके से हमें इन करता है एग्जाम के अंदर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए यह है कि हम मॉक इंटरव्यूज, मॉक जो पेपर्स हैं, जैसे अपनी टेस्ट सीरीज होती हैं कोचिंग की, वो लगा लें। इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्या हम पढ़ाई में हमारी कमी है, हमको वो चीज़ आ नहीं रही है, या फिर हमने जल्दबाजी में पढ़ने में गलती कर दी। हम कई बार ट्रू फॉल्स में गलती कर जाते हैं, वहाँ पर पूछा है कि सही कौन सा कथन है या सही कौन सा नहीं है, तो नहीं छोड़ देते हैं और सही में लिख टिक लगा देते हैं, तो बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तीसरा है कि हम जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, स्किप करते हैं, हम पहले से आइडिया लगा के चलते हैं कि इतने क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करेगा कि वो लेवल किस टाइप का है। बहुत इजी लेवल है तो ज़्यादा अटेम्प्ट करके आए, टफ लेवल है तो सबके लिए टफ आएगा, सबके लिए डिफिकल्टी आएगी उसके लिए। तो एक अंदाजा ना लगा के चलें, पहले से मन में ना बैठा लें कि मैं 150 में से 140 अटेम्प्ट करके करके आऊंगा या आऊंगी, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है उस वक्त। तो अपना जो सेंस है, अपने जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वही एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा काम में लें, और बिल्कुल बेहिचक होकर, बिल्कुल बिना डरे एग्जाम देना है, ये सोचकर कि हमारे पास में खोने को कुछ नहीं है और पाने को पूरी दुनिया है, एग्जाम दे। पॉजिटिव थॉट्स, यही पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए कि खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है, एक बार इसको हमने हासिल कर लिया, जो भी आप महसूस कर रही होंगी। वेरी गुड सृष्टि, जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें बहुत वैरायटी सब्जेक्ट है, 4 पेपर में सारे सब्जेक्ट को रखा गया है, पेपर 1, 2, 3, 4, और हर पेपर 200 मार्क्स का है, और हर पेपर के सारे सब्जेक्ट रखे गए। तो इसमें राजस्थान के ऊपर कितना फोकस है, नेशनल पे कितना है, और इंटरनेशनल पे कितना, हर किस सब्जेक्ट में है, आपको जरा ही बताइए। जी सर, सर पहली चीज तो मेंस में RPSC ने अपना सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया है, 16 में चेंज किया था सिलेबस, और अभी वही सिलेबस चल रहा है। तो वो इस तरीके से डिजाइन है कि उसमें आर्ट्स के भी सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट हैं, साइंस के भी सब्जेक्ट हैं। मतलब वहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम पर्टिकुलर इसी स्ट्रीम के हैं तो हमें फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वहाँ पर तीनों स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं और पढ़ने पड़ेंगे सबको, चूज नहीं कर सकते। ये बड़ी खास बात है कि RS में एग्जामिनेशन एक तो ऑप्शनल नहीं है, और सारे का लेवल प्लेइंग है, और हर सब्जेक्ट को मिक्स किया हुआ है,
राइट? जी सर बिल्कुल। तो हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वहां पर, चाहे कम पढ़ना पड़े ज्यादा पढ़ना पड़े, पढ़ना सबको पड़ेगा। दूसरा आ जाता है कि हमें 3 लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है। स्टेट लेवल की मतलब राजस्थान तो हमें करना ही करना है, राजस्थान का हर एक एरिया हमें पता होना चाहिए क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है, राजस्थान में पोस्टिंग लगनी है तो राजस्थान के बारे में तो जानकारी होनी बिल्कुल ही स्वाभाविक है। दूसरा है इंडिया लेवल, भारत के बारे में हर एक चीज जो हम राजस्थान जैसे टॉपिक वाइज ले रहे हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी है ना, साइंस, ज्योग्राफी, हर एक चीज हमें राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल तीनों लेवल पर हमें पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी लेवल को मिस कर सकते हैं। और चारों पेपर में, फोर्थ पेपर को हटा दिया जाए क्योंकि फोर्थ लैंग्वेज पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश का, तीनों पेपर में ये राजस्थान और जो इंडिया है और इंटरनेशनल लेवल है तीनों को इसमें एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, मेंस में राइटिंग का बड़ा इम्पोर्टेंस है, राइटिंग स्किल जिसको कहते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में कि अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ बेसिक जो चीजें राइटिंग में ध्यान रखना चाहिए वो क्या है? सर राइटिंग स्किल के लिए सबसे अच्छे होता है कि हम उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये चीज जो है ना ये बिल्कुल सही है क्योंकि शुरुआत जो करेंगे ना तो हमारा आंसर हम खुद बाद में देखते हंसेंगे कि हमने शुरुआत में कितना गंदा आंसर लिखा था, लेकिन लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम एग्जाम हॉल में वो आंसर लिखे आएंगे। तो या तो खुद से भी कर रहे हैं आंसर राइटिंग तो खुद से करें, नहीं तो कोई कोचिंग ज्वाइन करने से हमें ये फायदा होता है कि इवोल्यूशन हो जाता है क्योंकि हम खुद से करेंगे हमारा इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कमी क्या है, हमें क्या सुधार करना है। तो कोई कोचिंग जरूर ज्वाइन करनी चाहिए टेस्ट सीरीज के लिए, तो टेस्ट सीरीज के लिए कोचिंग ज्वाइन करें, वहां पर आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे काफी क्वेश्चन रहते हैं कि पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ वाइज लिखें, कुछ भी आप कैसा भी पैटर्न अपना सकते हैं, पैराग्राफ वाइज लिखें, पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट हम जिसको बोलते हैं, तो बुलेट पॉइंट तभी लिखें जब बुलेट तैयार हो अपने पास में सामने वाले के लिए। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट लिख दिया दूसरे पॉइंट में वही चीज घुमा के लिख दी तो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा और हम सोचेंगे हम तो पॉइंट वाइज लिख के आए थे, हमें मार्क्स ही नहीं दिए, हमारे साथ धोखा हो गया। तो वो चीज होती है कि हम पहले से अपने मन में इतने अच्छे से हम प्रिपेयर हैं, हम टेस्ट सीरीज करके हमने हर क्वेश्चन को इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है कि हमारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से रेडी हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आरपीएससी ने अपना लेवल बहुत टफ कर दिया है, अब ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं यूं का यूं पूछ लिया जाएगा, वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी और थोड़ा सा चेंज उसमें आ जाएगा। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लें, अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर लें, एनालिटिकल अप्रोच और तुलनात्मक अध्ययन, ये सब चीजें हमें डेवलप करनी होंगी तभी हम वहां पर अच्छे से उन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। और जो वर्ड लिमिट का ध्यान रखने की जरूरत होती है इसमें, तो उसके लिए आरपीएससी में जो कॉपीज होती है उसके नीचे स्पेस होता है, जैसे क्वेश्चन होता है उसके नीचे स्पेस दिया होता है पर्टिकुलर की इतना ही स्पेस है, तो वो स्पेस ज्यादा नहीं होता है। तो हमेशा वर्ड लिमिट का ध्यान जरूर रखें और राइटिंग का भी थोड़ा सा लेजिबल होनी चाहिए कि पढ़ने में आए, ऐसा नहीं है कि मोती लिख दें, लेकिन हाँ पढ़ने में आनी चाहिए। तो राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो राइटिंग का ध्यान रखें। हिंदी के अगर विद्यार्थी हैं तो ऊपर जो हम शीर्ष लगाते हैं मतलब अक्षर लिखने के बाद कई बच्चों की आदत होती है कि वो लाइन नहीं खींचते ऊपर, तो वो जरूर खींचें, ये छोटी छोटी चीजें, अशुद्धि ना लिखें, तो ये चीजें हमारे पेपर में इफेक्ट डालती हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम स्वाति है। आरएस 2018 की परीक्षा में एससी महिला श्रेणी में मैंने 7वीं रैंक हासिल की है। ये मेरा पहला प्रयास था। अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, अपने भाइयों, गुरुजनों और अपने फ्रेंड्स को देना चाहूंगी। मेरी इस सफलता में चाणक्य आईएएस एकेडमी का बेहद बड़ा योगदान रहा। मेरी सफलता के तीनों ही चरण प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही चाणक्य एकेडमी ने और वहां के स्टाफ ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एक इंटरव्यू का बड़ा क्रुशियल रोल है, फाइनली हर किसी की तमन्ना होते वहां पहुंचे, लेकिन सांप सीढ़ी का खेल वहां तक पहुंचे फिर वहां से रह जाते हैं, तो इंटरव्यू भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने इंटरव्यू दिए, पहले भी दिए, सेकंड इंटरव्यू भी दिए, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चाणक्य में जो मॉक इंटरव्यू लिया उसका कैसा अनुभव रहा आपका? जी सर, मैंने अपना रिजल्ट आया था, हमारा 10 जुलाई को रिजल्ट आया था, उसके बाद मैंने अपना पहला मॉक चाणक्य एकेडमी में ही दिया था जयपुर ब्रांच में। बहुत अच्छा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा था, स्पेशली जब ललित पवार सर वहाँ बैठे थे, बिकॉज वो आरपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, तो उनसे उनको जब इंटरव्यू दिया और बाकी के जो दो पैनल मेंबर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इंटरव्यू ही हो रहा है,
तो जो बेसिक गलतियां हम कई बार कर लेते हैं, जैसे उठने बैठने में गलतियां हो जाती हैं, अगर हम इंटरव्यूज दे लेते हैं, मॉक्स दे लेते हैं, तो हमें वो चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमारी उठने बैठने में जो चीज़ हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो गलतियाँ हमें पकड़ में आ जाती हैं। दूसरा है कि वहाँ पे हमें पता चलता है कि ऐसा डरने की बात नहीं होती है कि इंटरव्यू में इंटरोगेशन नहीं है, इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, कि हमारी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था चाणक्य अकेडमी का मेरा इंटरव्यू का, और सर बिल्कुल सर उसकी वीडियो भी हमें प्रोवाइड कराई गई थी, तो उससे एक अच्छा सा एक्सपीरियंस भी मिल गया, खुद ने देखा भी उसके बाद में कि क्या क्या कमी है, तो हम खुद से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिर आपको मौका मिला कि चाणक्य में आपको आरपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन मिल गए, तो नेचुरली आपने लाइव एक्सपीरियंस मिल गया। तो उसको जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में पहुंची, उसका किसका बोर्ड था वहां आपका? सर मेरा राठी सर का बोर्ड था। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां जाकर के, जो एक्चुअल इंटरव्यू में वो क्या क्वेश्चन हुए, क्या सिचुएशन, थोड़ा शेयर करिए। जी सर, सर मेरा इंटरव्यू जो था राठी सर के बोर्ड में था, और दोपहर का शिफ्ट था मेरा सबसे पहले मेरा ही था, हमारे बैच जो मेरा आया था ग्रुप, उसमें सबसे पहले मेरा इंटरव्यू था। 25 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, उसमें सबसे पहले जाते ही हम उनको ग्रीट करते हैं, वो हमें बैठने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने शुरुआत तो वही किया हमारा, जैसे जानने के लिए कहाँ से हैं आप, और ग्रेजुएशन कहाँ से की, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की, नेट कर रखा है तो आपका एजुकेशन में क्या आपका दिलचस्पी है या नहीं है। आरएस में उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो अब तक, सेकंड अटैम्प्ट सेकंड इंटरव्यू है, ये सब नॉर्मल उन्होंने बातें की। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अलवर के बारे में वो आ गए, क्योंकि आप अलवर एरिया से हैं तो पोलो के खिलाड़ी रहे हैं यहाँ के राजा, तो इस तरीके से उन्होंने क्षेत्र के हिसाब से भी क्वेश्चन किया, और अलवर भरतपुर के लोग कैसे होते हैं, बड़े प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन किए थे कि वैसे बताओ जैसे अपन नहीं बोलते मेवाड़ी ऐसे होते हैं, मारवाड़ी ऐसे होते हैं, ऐसे बताइए कि अलवर के लोग कैसे होते हैं। और फिर वो कोरोना पे हो सकता है कि वो मेरा पॉजिटिवनेस या नेगेटिवनेस चेक कर रहे हो, मेरा थॉट किस तरीके का है, कि वो गवर्नमेंट पर आ गए थे कि गवर्नमेंट और प्रशासन का रोल बिल्कुल नेगेटिव रहा कोरोना पीरियड में, बिल्कुल फेल हो गई गवर्नमेंट। तो उस वक्त मैं डिफेंड कर रही थी, लगभग 3 से 4 मिनट हमारा इसी मुद्दे पर चर्चा पे गया कि कोरोना में गवर्नमेंट फेलियर है या नहीं है। तो आपने कहा सर, मैंने इसमें उनसे कहा कि ऐसा नहीं बोल सकते कि हम फेलियर है गवर्नमेंट या प्रशासन, हाँ कुछ कमी रही थी कि हम उस भविष्य को आंक नहीं पाए, उस जो आशंका थी, भयावहता थी हमारी सेकेंड वेव की, हम उसको भाप नहीं पाए थे, लेकिन जैसा ही उसको आया तो हमने अपनी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। मैंने कुछ डेटाज बताए, क्योंकि तैयारी हम पहले से करके जाते हैं इंटरव्यू की, तो डेटाज याद करने चाहिए हमें, तो मैंने डेटाज वगैरह सब रखे कि ऑक्सीजन की हमारी प्रोडक्शन कितना था, फिर हमने कितना बढ़ाया, इसके अलावा हमारी जो भी दवाई वगैरह है हमने उनका भी सप्लाई बढ़ाई, बाहर से हमने आयात किया, और हमारी जो वैक्सीन मैत्री रही उन सब के बारे में मैंने बताया। उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा, उसके बाद पूछा क्या क्या पढ़ के आए हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के उन्होंने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, उस वक्त कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी उस दिन, तो उन्होंने कैबिनेट पे काफ़ी बेसिक क्वेश्चन किए कि कैबिनेट वर्ड कहाँ से आया आप ये बता दो, कैबिनेट होता क्या, ये वर्ड क्या है, मतलब कैबिनेट कहाँ से आया, इस तरीके से मीटिंग में कैसे होता है, क्या होता है मीटिंग में, कौन एजेंडा तैयार करता है, बहुत ही ऐसे उन्होंने प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन कर रहे थे। उसके बाद एक मैम थी पैनल में, उन्होंने सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन किए मुझसे कि एजुकेशन में आप SDM हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे, और इसके अलावा उन्होंने एक एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और पूछा था। दोनों क्वेश्चन पर उन्होंने मुझे गुड बोला था, दोनों ही आंसर्स पे। एक सर थे, उन्होंने इकोलॉजी एनवायरमेंट साइंस के क्वेश्चन मुझसे पूछे थे प्योरली कि जो हमारा इनसीटू एक्सीटू कंजर्वेशन होता है वो क्या है, इस तरीके से उन्होंने पूरा क्या पूरा एनवायरमेंट बेस पर चला। और एक जो चौथे सर थे, उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट और एक टेक्निकल वे में पता नहीं क्यों चले गए थे कि हाईवेज और जो अपने नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज होते हैं उस पर काफी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मुझे उस पर क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन वहां पर हमें ये सोचना होता है कि वो चेक कर रहे होते हैं कि यदि क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो उस वक्त कैंडिडेट किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसके फेस एक्सप्रेशन किस तरीके से जा रहे हैं, वो घबरा तो नहीं रहा है, तो हमें उस वक्त बिल्कुल कॉन्फिडेंट बिहेव करना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा तो एक ऑफिसर लाइक स्माइल हमारे चेहरे पर होनी चाहिए, क्योंकि जब एंटर करें तो मैं मन में ये सोच के गई थी कि ऐसा लगना चाहिए कि एक SDM आया है, उनके मन में सच में ऐसे भाव आने चाहिए कि हाँ अब ये SDM आए हैं, और निकलें तो भी SDM के भाव लेकर निकलें अपने मन में। तो वहाँ पर मैंने 25 के 25 मिनट एज अ ऑफिसर के रूप में मैंने उनसे चर्चा की, मेरा यही उद्देश्य रहा था। जी सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मैंने आपके काफी इंटरेक्टिव सेशन हुआ लोगों के साथ, आप इसमें इन्वॉल्व हुई और बेसिकली आपने सारी चीजें ऑनेस्टली भी उनको जवाब दिया,
कि कैसे चल रहा है। आपके हिसाब से वो इंटरव्यू में क्या चेक करना चाहते हैं सृष्टि, आपको क्या लगता है? सर देखिए, इंटरव्यू में जैसे पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो पर्सनालिटी टेस्ट में दो चीजें चेक की जाती है। पहली तो हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, कि हमारा बाहरी व्यक्तित्व कैसा है, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व कैसा है, हम कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हमारे अंदर है या नहीं है, डिसीजन हम अच्छा ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, जनता के बारे में, वल्नरेबल सेक्शन के बारे में हम क्या सोचते हैं, अपने आसपास की हमें कितनी जानकारी है, हम कितने अच्छे से जानकारी रखते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारा कितना अच्छा है। एक होता है ज्ञान, नॉलेज भी रखनी बहुत आवश्यक है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट होगी तो पढ़ाई नहीं करनी है, नॉलेज भी टेस्ट की जाती है, बिकॉज यदि आंसर ही नहीं आएंगे तो उन्हें हमारे बारे में जानने का मौका कैसे मिलेगा। तो ये दो चीजें, ज्ञान और व्यक्तित्व, दोनों की वहां पर खोज की जाती है और दोनों की ही बेसिस पे हमें प्रिपेयर करके चलना चाहिए। वेरी गुड सृष्टि, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। अब आप जो है अपने फाइनली आप ये बताइए कि यदि तीन बेसिक एडवाइस किसी फ्यूचर कैंडिडेट्स को आप देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे आरएस में अच्छा रिजल्ट करने के लिए? जी सर, सर मैं वो शॉर्ट में इसको बताती हूँ, जैसे तीन टी पर काम करें हमेशा, जब भी पढ़ने बैठे अपने सामने ये लिख कर बैठे, क्योंकि हमारा माइंड भूल जाएगा वरना। तीन टी, फर्स्ट टी इज ट्राई, ट्राई एज हार्ड एज यू कैन, जितना हो सके उतनी कोशिश कर लेनी है, पूरा दम लगा देना है, सोचना है कि अब करना ही करना है, तभी होगा। दूसरा है ट्रस्ट, टी फॉर ट्रस्ट, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। यदि खुद पर विश्वास नहीं है, खुद नहीं कर पाएंगे तो फिर हमसे नहीं हो पाएगा। अगर सोच लिया कि नहीं होगा, हिंदी मीडियम से हैं, हमारे आगे तो बहुत सारे बच्चे हैं, सीनियर्स हैं, हमने तो सिर्फ ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स में, हम दिल्ली से नहीं पढ़े, विदेश से नहीं पढ़े, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हमेशा ट्रस्ट रखें अपने ऊपर। थर्ड है ट्रू, ट्रू विद योर पेरेंट्स एंड ट्रू विद योर वर्क, हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। एक विद्यार्थी का काम होता है पढ़ाई करना, तो अध्ययन के प्रति ईमानदार रहें। दूसरा है अपने पेरेंट्स के प्रति भी ईमानदार रहें, कभी उन्हें धोखा ना दें, उनकी भावनाओं को कभी ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि उनकी आंखों में सपना पलता है जब एक बच्चा तैयारी करता है ऑफिसर बनने का, तो वो भी उससे बड़ा सपना लेकर चलते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी ऑफिसर बनेगी। तो हमारे अपने पेरेंट्स के प्रति हमेशा ईमानदार रहें और उसका फल मिलता है, हमारी पढ़ाई के साथ में आशीर्वाद चलता है, आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, तो उसका जरूर ध्यान रखें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपके ट्रिपल टी बड़ा पॉपुलर चीज है जो हम चाहेंगे कि लोगों को दिमाग में बिठाना चाहिए। और सृष्टि, आपने बहुत ही सहजता के साथ ऑनेस्टली अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उनको बहुत फायदा इससे मिलने हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस आरएस टॉपर्स टॉक। थैंक यू वेरी मच जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.